हेलो फ्रेंड्स, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। तो आपको ये स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? एक खूबसूरत शहर का रात का हसीन नजारा। और ये फिगर देख के, ये फोटो देख के आप समझ गए होंगे कि हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो यह खूबसूरत दिखने वाला शहर बिल्कुल डार्क हो जाएगा, बिल्कुल डार्क। हम इतने सारी चीजें यूज करते हैं अपनी लाइफ में और उन सब में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। अगर हम एक टॉर्च जलाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, रूम में बल्ब जलता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, हम कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, हम मोबाइल यूज करते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, किचन में आपकी मम्मी मिक्सर ग्राइंडर यूज करती है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, आप टेलीविजन देखते हो, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इट इज इम्पॉसिबल टू इमेजिन लाइफ। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर कॉल इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हमें थोड़ा चार्ज के बारे में समझना पड़ेगा। तो ऐसा तो हमने पहले पढ़ा है कि जो मैटर होता है, जो सब्सटेंसेज होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पे कैसा चार्ज होता है यह भी हमने देखा है। कैसा चार्ज होता है उन पे? प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? वन प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक, कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट होती है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और जैसे न्यूट्रॉन्स की हमने बात की, उस पर तो कोई चार्ज होता ही नहीं। फिर यह भी हमें पता है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, पास पास, दो पॉजिटिव चार्ज हो पास पास, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल। रिपेल रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर धक्का देते हैं। अगर दो नेगेटिव चार्ज हो पास पास, तो ये दोनों भी क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धक्का देते हैं दूसरे को। ठीक है, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज हो और एक पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होता है? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पास पास खींचते हैं। ठीक है, तो जो लाइक चार्जेज होते हैं, मतलब सेम टाइप के चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वो क्या करते हैं? रिपेल। तो अनलाइक चार्जेस, सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब हम देखेंगे कंडक्टर्स किसको बोलते हैं और इंसुलेटर्स किसको बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मैटर है, कोई सब्सटेंस है। ओके, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मैंने ग्रीन डॉट से रिप्रेजेंट किए हैं, होंगे बहुत सारे प्रोटॉन्स भी होंगे। ठीक है, होने को तो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी होंगे, बट न्यूट्रॉन्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। आप सोचे क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो अभी इस चैप्टर में हम थोड़ा चार्ज के बारे में बात करना चाह रहे हैं, इसलिए न्यूट्रॉन्स के बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक, नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन्स फर्स्ट। ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड क्या मतलब है? फिक्स्ड होने का कहने का मतलब है ये जो प्रोटॉन है वो यहीं रहेगा। अगर वो मैटर के अंदर यहां पे, तो यहीं रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये यहां चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि वो यहां चला जाए, ये सब नहीं चलेगा। जो प्रोटॉन होता है वो फिक्स होता है, जहां पे है वहीं पे रहेगा। ओके, इसलिए हमने लिखा है प्रोटॉन्स आर फिक्स्ड। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? क्या इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स्ड होते हैं? अब यहां पर कैच है, दो टाइप के सब्सटेंस होते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स क्या है? देखें, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है मूव करने के लिए, फ्री है मूव करने के लिए, मतलब ये मूव करके कहीं भी जा सकता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये सब्सटेंस जो है वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। कंडक्टर। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है हर जगह जाने के लिए, तो ये सब्सटेंस क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कंडक्टर्स क्या है? कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर
इनसाइड द मैटर, सही है। और इंसुलेटर, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड मैटर। तो आप समझ गए कंडक्टर्स कैसे चीज होती हैं और इंसुलेटर कैसे चीज होते हैं। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं तो कंडक्टर के एग्जांपल्स होते हैं आयरन, आयरन जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडक्टर। अल्मोनियम, कॉपर, कॉपर तो बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है, ठीक है। अगर हम इंसुलेटर के एग्जांपल्स की बात करें तो प्लास्टिक, वुड, ठीक है, ये सब जो चीज होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री नहीं होते मूव करने के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स। इनफैक्ट जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स वो कंडक्टर्स होते हैं, मेटल्स आर कंडक्टर्स। मेटल्स किनको बोलते हैं आप समझते होंगे, जैसे आयरन जो है वो एक मेटल है, अल्मोनियम भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये इमेज आप देखें, ये वायर है जो आपने घरों में देखा होगा, उसको आपने कभी काटा वाटा भी होगा तो आपने देखा होगा अंदर ये जो है ना कॉपर होता है उसके, कॉपर, कॉपर वायर्स, कॉपर जो है वो क्या है, कंडक्टर। और उसके अराउंड ये जो कलरफुल प्लास्टिक कोटिंग है, कलरफुल प्लास्टिक कोटिंग या प्लास्टिक कवर, वो क्या होता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर। इनफैक्ट ये जो है वो भी क्या है, इंसुलेटर, वो भी प्लास्टिक कवर है और इंसुलेटर है, ये भी आपने देखा होगा। तो ये जो यहां पे दिख रहा है आपको, ये कॉपर है, ये तीन जो पिंस दिख रहे हैं मेटल के पिंस हैं, एक्चुअली कॉपर के पिंस होते हैं जनरली, ये कॉपर के वो कंडक्टर है, और ये जो कवर आपको दिख रहा है प्लास्टिक का है वो क्या है, इंसुलेटर। ओके, तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखें वाटर करंट, अगर मैं बोलूं आपको वाटर करंट तो आप समझ जाएंगे उसका मतलब, वाटर करंट, जैसे ये फोटो है इसमें आप देख सकते हैं पानी जो है वो नीचे की तरफ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, पानी नीचे की तरफ ऐसे फ्लो कर रहा है। तो जब वाटर फ्लो करता है, वाटर फ्लो करता है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास वाटर करंट है। जब वाटर फ्लो करता है तो हम बोलते हैं वाटर करंट। वैसे इस चैप्टर में हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर हमारे पास बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और आप सपोज करें ये सब के सब इधर फ्लो कर रहे हैं, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इस फ्लो को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो वाटर के फ्लो को जैसे हम बोलते हैं वाटर करंट, वैसे चार्ज के फ्लो को हम बोलते हैं चार्ज करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट। पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो भी हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट है, और अगर हमारे पास बहुत सारा निगेटिव चार्ज है और वो फ्लो कर रहा हो तो भी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट है। समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज दैट कैन बी पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज निगेटिव चार्ज। दूसरी बात, अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, जैसे कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में राइट की तरफ, और करंट को हम सिंबल आई से डोनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट राइट साइड में। लेकिन जब निगेटिव चार्ज राइट की तरफ फ्लो करता है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इसको लिख लेते हैं, इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लोज, पॉजिटिव चार्ज फ्लोज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, और वैसे ही हम लिख लेंगे, इफ निगेटिव चार्ज फ्लोज डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर राइट की तरफ है फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे करंट भी राइट की तरफ है, लेकिन निगेटिव चार्ज अगर राइट की तरफ फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लेफ्ट की तरफ है। तो चलो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्वेश्चन ये है, कैन इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, कैन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन इंसुलेटर, इंसुलेटर जो हमने देखा है क्या होता है, क्या उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है
इंसुलेटर एग्जाम्पल्स वुड और प्लास्टिक, क्या वुड और प्लास्टिक में करंट फ्लो कर सकता है? बताएं आप, सोचें, क्या लगता है आपको? यस और नो? द आंसर इज नो. क्यों नो? क्योंकि हमने देखा था कि इंसुलेटर में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? फिक्स्ड. तो प्रोटॉन्स भी फिक्स्ड हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी फिक्स्ड हैं, यानी कि ना पॉजिटिव चार्ज मूव कर सकता है यानी फ्लो नहीं कर सकता, और ना ही इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज है वो मूव कर सकता है, मतलब फ्लो नहीं कर सकता. तो इंसुलेटर के अंदर ना पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर सकता है ना निगेटिव चार्ज, तो कोई चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, इसलिए हम बोल सकते हैं इंसुलेटर के अंदर करंट फ्लो नहीं हो सकता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. कंडक्टर की बात करते हैं, क्या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है? बच्चों सोचिए, आप सोचिए, क्या लगता है आप? द आंसर इज यस. क्यों यस? देखो कंडक्टर के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स मूव नहीं कर सकता तो फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स? हम देखा था कंडक्टर वैसे सब्सटेंस होते हैं जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर सकते हैं? मूव. तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, फ्लो इस तरीके से कंडक्टर्स के अंदर, जिसके कारण कंडक्टर के अंदर करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है. तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंसुलेटर्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता और कंडक्टर के अंदर फ्लो कर सकता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है. तो जैसे आप देखें यहां पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे ऐसे एक मैं लाइन बना देता हूं. तो आप देखें इस लाइन से चार्ज जो है वो क्रॉस कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रॉस करके इधर आ रहा है इस लाइन से, ठीक है. तो अगर मैं एक सेकेंड के लिए वेट करूं, एक सेकेंड के लिए वेट करूं, तो कुछ चार्ज यहां से क्रॉस करके आ गया होगा, ठीक है. अगर मैं दो सेकेंड तक वेट करूं तो कुछ और चार्ज यहां से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है. तो अगर मैं टी टाइम तक वेट करता हूं, टी टाइम तक टी कुछ भी हो सकता है, वन सेकेंड, टू सेकेंड, थ्री सेकेंड, कुछ भी, टी टाइम तक वेट कर रहा हूं, तो यहां से कुछ चार्ज क्रॉस हो गया है, से क्यू, चार्ज के लिए क्यू सिंबल यूज किया जाता है. तो ये लाइन बनाई मैंने, टी टाइम में यहां से क्यू चार्ज क्रॉस होकर दूसरे साइड आ गया, तो हम यहां पे बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज क्यू डिवाइड बाई टी. वैसा यहां पर भी निगेटिव चार्ज ही फ्लो कर रहा है तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा कि यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी मैंने और यहां पे आप देख सकते हो चार्ज जो है फिर से इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है. एक सेकंड में कुछ चार्ज इधर आ जाएगा, दो सेकंड में कुछ चार्ज इधर आ जाएगा, तो हम टी सेकंड तक वेट करेंगे. टी सेकंड में जितना चार्ज आ गया इधर उसको हम बोलेंगे क्यू, फिर Q और T को हम डिवाइड कर देंगे तो जो क्वांटिटी आएगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट. करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, एम्पियर जिसको सिंबल A से डिनोट करते हैं. जैसे एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा. सपोज करो ये एक कॉपर का वायर है, ये ऑरेंज वाला जो है एक कॉपर वायर है जिसमें निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ फ्लो कर रहे हैं. कॉपर कंडक्टर है, उसमें निगेटिव चार्ज फ्लो कर सकता है, ठीक है. तो उसमें निगेटिव चार्ज जो है इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है. तो अगर आपसे डायरेक्शन पूछी जाए करंट की तो आप किधर बताएंगे? बोलें किधर बताएंगे डायरेक्शन करंट की? निगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन करंट की हम इधर बताएंगे, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन इज लाइक दिस कि हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ किया और हम 10 सेकेंड तक वेट किया, हमने 10 सेकेंड तक यहां पर खड़े रहे, तो हमने देखा कि चार्ज जो है वो इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है. तो हमने देखा कि 40 कूलम चार्ज जो है वो इधर चला गया, 10 सेकेंड में 40 कूलम चार्ज इधर चला गया. तो हमें बताना है करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू कितनी है, बताएं आप कैसे करेंगे इसको. तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लिखेंगे करंट इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है. क्यू की वैल्यू कितनी है? 40 कूलम, और टाइम की वैल्यू कितनी है? 10 सेकेंड. इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा हमारे पास 4, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो हम बोलेंगे करंट कितना है? 4 एम्पियर, और किस डायरेक्शन में है? पीछे की तरफ. लेट्स डू वन मोर सिमिलर क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है ये. देखिए क्या है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ए 4 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द सर्किट. देखिए इसमें अभी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, उस पर आप ध्यान न दें, मैं आपको क्वेश्चन का मतलब समझाता हूं. बेसिकली क्या है कि एक वायर है, कोई एक वायर है इस टाइप से, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है. कितना करंट फ्लो कर रहा है?
देखिए आप 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो हमें बताना है कि इस वायर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इस वायर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में, 10 मिनट में, 10 मिनट में इस वायर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ठीक है। तो हम देखें यहां से कि आई तो हमें पता है, आई कितना दिया हुआ है, 0.5 एम्पियर, तो यहां 0.5 लिख लेंगे। क्यू हमें पता करना है, ठीक है, और टी कितना लिखेंगे, 10 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट्स, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 into 60 seconds, ठीक है, तो दैट विल बी 600 seconds, तो यहां पे लिखेंगे 600। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट क्यू इज इक्वल टू 0.5 into 600, दैट इज 300, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं यही फॉर्मूला हमने यूज किया है, बट थोड़े दूसरे तरीके से। तो हमने देखा है कि करंट की यूनिट जो है वो क्या होती है, एम्पियर, एम्पियर। तो उसकी थोड़ी सी और बात करेंगे हम यहां पे। तो सपोज करो ये कॉपर का वायर है, ठीक है, और इसमें जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, वो इधर की तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो यानी कि करंट जो है हमारा वो इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक बात है, ओके। अब मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, तो यहां से चार्ज इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। एक सेकेंड हुआ, अगर मान लो एक सेकेंड टाइम बीता, एक सेकेंड, ठीक है, और कुछ ऐसा हो रहा है कि यहां से जो चार्ज जा रहा है वो एक कूलम का है, एक सेकेंड में हमने देखा कि एक कूलम चार्ज इधर चला गया, तो हम क्या बोलेंगे, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हम बोलेंगे करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज 1 कूलम एंड टाइम इज 1 सेकेंड, 1/1 ये आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। इस सिचुएशन को देख के हम एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं, एम्पियर को क्या डिफाइन कर सकते हैं हम, कि 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड, ठीक है, बहुत सिंपल है। एक सेकेंड में जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है तो हम बोलते हैं 1 एम्पियर का करंट है, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार आपको ऐसा दिया हुआ होगा कि करंट इज इक्वल टू 2 m into a, ऐसे लिखा होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है मिली एम्पियर, मिली एम्पियर, एम स्टैंड फॉर मिली, ठीक है। तो अगर आपको करंट दिया हुआ है 2 mA, तो इसका मतलब होता है करंट इज 2 into 10 to power -3 एम्पियर, ठीक है। तो आप मिली एम्पियर में अगर करंट दिया है तो आप उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, 10 to power -3 से मल्टीप्लाई करके। उसी तरीके से अगर आई दिया हुआ है 2 μA, ऐसा सिंबल बना हुआ है, इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ठीक है, 2 μA फॉर एग्जाम्पल दिया भाई, तो हम इसको लिखेंगे 2 into 10 to power -6 एम्पियर, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चंस में इस तरह से मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ हो सकता है, तो आपको उसका मतलब समझना होता है।